नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सैनी एजुकेशन में। तो जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान में किसान आंदोलन जो अपना टॉपिक है उससे जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है, एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है, वही क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए डेली हम आपके लिए ऐसे वीडियो अपलोड करते हैं, तो सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच सके इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ ताकि सबसे पहले जो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके और आपके पास जो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट ये आप तक पहुँच सके। तो हम बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वप्रथम संगठित किसान आंदोलन कौन सा था? यानी कि ऐसा किसान आंदोलन जिसमें सारे किसान जो है वो संगठित होकर आंदोलन थे, तो ऐसा किसान आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन जो 1897 ईस्वी में हुआ था। तो राजस्थान का सर्वप्रथम संगठित किसान आंदोलन कौन सा था? वो था अपना बिजोलिया किसान आंदोलन, 1897 में हुआ था। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन में किसानों की मांगों की जाँच हेतु कौन से आयोग का गठन किया गया? कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो किसानों की मांग थी वो कहाँ तक सही थी और कहाँ तक गलत थी, इसकी जांच हेतु उन्होंने एक आयोग का गठन किया था और वो आयोग था न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलवर राज्य में पहली बार भूमि बंदोबस्त कब लागू किया गया? भूमि बंदोबस्त का मतलब है कि उसके ऊपर जो है वो विशेष उनके उनके अनुसार कुछ कर जो है वो किसानों को, कर और लगान जो है वो किसानों को देना पड़ता था, तो वो पहली बार अलवर राज्य में कब लागू किया गया? तो वो किया गया था 1876 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगुनी विभत्स कांड बताया है? ये क्वेश्चन लास्ट ईयर लैब असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया है, और भी जितनी राजस्थान की एग्जाम होती है उसमें पूछे जाने की ये बहुत ज़्यादा संभावना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने कौन सी राजस्थान की कौन सी घटना को डायर के कृत्य से दुगुनी विभत्स कांड बताया है? तो वो है अपनी निमूचाणा घटना। निमूचाणा में जो किसानों की सभा हो रही थी और उस सभा में जो है वो पुलिस वालों ने गोलियां बरसा दी जिससे हजारों लाखों लोग घायल हो गए और 3 या 4 किसान उसके अंदर जो है वो मारे गए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अलवर राज्य में प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो अलवर राज्य में प्रजामंडल की स्थापना जो है वो 1938 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर नरेश वापस जाओ, लॉर्ड वेवेल वापस जाओ, ये नारे हैं, इन नारों का संबंध कौन से आंदोलन से है? ये अपने क्वेश्चन में पूछा है, तो इन नारों का जो संबंध है वो भरतपुर आंदोलन से है। अब भरतपुर आंदोलन के दौरान भरतपुर दिवस कब मनाया गया? इस आंदोलन के दौरान एक दिवस मनाया गया जिसे भरतपुर दिवस कहते हैं। ये दिवस कब मनाया गया ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये दिवस मनाया गया था 28 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर आंदोलन के दौरान बेगार विरोधी दिवस कब मनाया गया? ये भी एक बेगार प्रथा थी भरतपुर के अंदर, उसके विरोध में ये दिवस मनाया गया था, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेगार विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 5 फरवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर प्रजा परिषद के अध्यक्ष ने आंदोलन कब वापस लिया? तो भरतपुर प्रजा परिषद के जो अध्यक्ष थे उन्होंने 20 जुलाई 1947 को जो अपना आंदोलन है वो वापस ले लिया क्योंकि उनकी मांगे जो है वो पूरी कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी के बरड क्षेत्र में हुए आंदोलन की अवधि क्या थी? तो जो बूंदी का बरड क्षेत्र था उसमें एक आंदोलन चला था और वो आंदोलन 1922 से लेकर 1925 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ट्रेंच कमीशन का संबंध कौन से आंदोलन से है? तो इस कमीशन का संबंध बेगू किसान आंदोलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगू किसान आंदोलन में कौन से 2 किसान शहीद हो गए थे? तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस बार आ सकता है। बेगू किसान आंदोलन में रूपा जी और कृपा जी जो है वो शहीद हो गए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानक भील और देवलाल गुज्जर का संबंध कौन से आंदोलन से है? तो नानक भील और देवलाल गुज्जर का संबंध बूंदी किसान आंदोलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, बूंदी किसान आंदोलन में शहीद नानक भील की याद में माणिक लाल वर्मा द्वारा, सॉरी ये थोड़ा मिसप्रिंट है, नानक भील की याद में माणिक लाल वर्मा द्वारा लिखा गया था एक गीत। यानी कि बूंदी किसान आंदोलन में एक शहीद हो गए थे नानक भील और उनकी याद में माणिक लाल वर्मा ने एक गीत लिखा था
और उस गीत का शीर्षक क्या था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उस गीत का शीर्षक था अर्जी। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ हितकारिणी सभा का आयोजन कब हुआ? तो मारवाड़ हितकारिणी सभा का आयोजन होता है 5 मार्च 1932 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर राज्य का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? तो बीकानेर राज्य का प्रथम किसान आंदोलन था गंग नहर कृषक आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन कहाँ हुए? तो वो पुष्कर अजमेर में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर रियासत में जयसिंहपुरा शहीद दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 21 जुलाई 1934 को। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनारायण चौधरी का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? तो रामनारायण चौधरी जो है उनका संबंध बेगू किसान आंदोलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? तो ये बीकानेर प्रजापत जो प्रजामंडल आंदोलन है उनके दौरान ये कांगड़ जो कांड है ये घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान पंचायत जिसकी स्थापना सन 1916-17 में की गई थी, इस संगठन का संबंध किससे था? तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन में एक किसान पंचायत का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? तो उन्होंने कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में 1927 में करौली में आंदोलन किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में विजय सिंह पथिक जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व सबसे पहले विजय सिंह पथिक ने किया था, जो अपने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा था। लेकिन इस आंदोलन जो है, किसानों ने, जो जमींदार थे, उन्होंने किसानों की मांग मान ली थी, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर से अपनी मनमानी करने लगे और जो मांगे उन्होंने पूरी की थी उन पर वो अडिग नहीं रहे। और इस दशा में जो है वो उन्होंने, जो बिजोलिया के किसान थे, उनको फिर से आंदोलन करना पड़ा था। और दूसरी बार जो किसानों के आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किया था साधु सीताराम दास ने। तो ये क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूजिबल हो सकता है, गलत भी आपका हो सकता है। यदि 1913 के बाद का नेतृत्व पूछे तो वो नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने, और जो सबसे पहले नेतृत्व पूछे तो वो सबसे पहले नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किसान आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी थी? तो वो था अपना बेगू किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन दूसरी बार प्रारंभ होने का क्या कारण था? तो एक कर था जिसका नाम था चौरी कर, और इस कर के कारण बिजोलिया किसान आंदोलन दूसरी बार प्रारंभ होता है। और दूसरी बार प्रारंभ होने के बाद जो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो साधु सीताराम दास करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमूचाणा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? तो ये अलवर रियासत में हुआ था। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावाटी में ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया? तो ये किशोरी देवी के नेतृत्व में इन्होंने ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 में जाट महिलाओं ने जो है वो भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन किसने शुरू किया? तो बिजोलिया किसान आंदोलन पहले हमने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, उसका थोड़ा वे अलग था पूछने का। उसमें पूछा था किसने नेतृत्व किया, इसमें पूछा किसने शुरू किया, तो विजय सिंह पथिक ने ही शुरू किया था। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की? तो वो मेवाड़ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? तो बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक संख्या में धाकड़ जाति के किसान थे। तो ये था आज का अपना वीडियो, जो शायद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो डेली लेकर आते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुँच सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।